पीने के लिए रास धरती पर क्षत्रिय और समाज। देखो आज कितने हम एक साथ सब धर्म प्रेमी हम सारे सारे, ये देखिए हमारे धर्म और पुण्यात जितने भी भाई सब साथ में हैं और दूर दराज से आए हैं, और आज हम चाय पीने के लिए देखिए राजसमंद की धरती पर मंदिर से कुछ दूर करीब 200-300 फीट ये दूरी ये चाय है। जब भी आए आप राजसमंद में तो देखिए पीछे मेरे पीछे पहाड़ है, बिल्कुल हाईवे के पहाड़ है और उसमें लिखा हुआ राजसमंद लिखा हुआ है, और राजसमंद के जस्ट सामने ये हमारा मंदिर दिखाई दे रहा है, पूरा सामने बाजार के अंदर मंदिर है, भूले नहीं दर्शन जरूर करें यहाँ पे। ये हमारा प्राचीनतम मंदिर है, एक ही मंदिर है पूरे देश में जो इतना भव्य और पुराना मंदिर है। सारे हमारे मित्रगण, मैं आखिरी में मेरे बड़े भाई साहब प्रिय मित्र अनुज, जितना प्रशंसा की जाए उतनी कम है, शायद आप नहीं होते तो शायद नहीं, नहीं नहीं मैं नहीं होता। जय ठाकुर जी महाराज की। जैसा कि शाम के 7 बज चुके हैं और सफलतापूर्वक भगवान चार भुजानाथ जी के आशीर्वाद से हमारा जो कार्यक्रम है बहुत ही बेहतर तरीके से संपन्न हुआ है, तो कार्यक्रम की समाप्ति के उपरांत यहाँ सभी भाइयों के साथ हम चाय पीने के लिए आए हैं और बहुत अच्छा लगा। मतलब कि बहुत दूर दूर से भाई साहब आए हैं, मतलब कि बहुत कम समय में हमने इतना प्रचार भी नहीं किया, उसके बावजूद इतने मतलब कि भारी संख्या में यहाँ पर लगभग 500 से ऊपर हमारे समाज के लोग, बहने माताएं बहने सब लोग पहुँचे हैं, और काफ़ी अच्छा लगा और बहुत ही सफलतापूर्वक प्रोग्राम बिना किसी मतलब कि वाद विवाद के कार्यक्रम संपन्न। देखो ठाकुर की कृपा, देखो ठाकुर ने माध्यम भेजा गौतम जी के रूप में, हमें हमारे लिए बीच में भेज दिया कि जाइए, मैं अकेला बैठा हुआ हूँ, जाइए वहाँ धर्म का पक्ष पर रखिए। और आपकी जैसे ही ज्वाइनिंग हुई और आप ढूंढ रहे थे मंदिर का है मंदिर का है, लेकिन आपको मंदिर तो नहीं है, मंदिर तो मिला लेकिन पूरा का पूरा समाज मिल गया। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बिल्कुल उनको सौभाग्यशाली मानता हूँ, या कोई पुण्य कर्म होगा, या मतलब कि माँ बाप के ऐसे अच्छे संस्कार थे, या कोई भी ऐसा बात थी जो मुझे मतलब कि इस धरती पर पावन धरती पर जहाँ आज से लगभग 400 साल पहले हमारे पूर्वजों ने काम किया था उस धरती पे, और जहाँ पर हमारी इतनी बड़ी धरोहर है हमारे समाज की, हमारे समाज उससे जुड़ा हुआ है, और वहाँ पे मुझे रहने का मौका मिला है और लगभग 3 साल पूरे होने को है और मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, और यहाँ पर आके मतलब कि जैसे बिल्कुल ही अनजान की तरह रह ही रहा था, लोग और भी रहते हैं मतलब कि, लेकिन आज सैकड़ों की तादाद में हमारे समाज के लोग आए, तो बिल्कुल भी मतलब कि उन्होंने जो मान सम्मान बख्शा, उनके जो प्यार है वो बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है, यहाँ से जाने की इच्छा ही नहीं हो रही है। ये मेरे पप्पू जी की जो शरीर की आकृति बता रही थी, यहाँ से क्यों जाऊँ, मुझे मन में आ रहा है यहाँ से क्यों जाऊँ, ये मन में सवाल आ रहा है क्यों जाऊँ। राजसमंद की इस पावन धरती पर ठाकुर जी महाराज चार भुजा में मंदिर है जाने की बहुत इच्छा नहीं हो रही है, लेकिन प्रभु की इच्छा तक तो यहाँ है ही है, और बहुत ही बड़ा समाज का सहयोग है कि आज इस पावन धरती पर चार भुजा नाथ के और समाज इतनी इकट्ठी हुई है भारी तादाद में, बहुत ही आनंद आया है। पूरी और समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, समस्त समाज को, और राजसमंद गुजरात से हमारे भाई यार पद पर रहते हुए कार्य कर रहे हैं, और ये मंदिर पे आए दिन जाते रहते हैं और पूरे मंदिर का बहुत ही ध्यान रखते हैं, इनको बहुत बहुत शुक्रिया का मैं धन्यवाद दूंगा, और यहाँ जाते रहे, इनकी सर्विस है यहाँ पे, भगवान और उनसे इच्छा है बात और हर मनोकामना पूर्ण करें, और पूरी समाज का धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो के माध्यम से मैं समाज के सभी बंधुओं से सभी भाइयों से निवेदन करूँगा कि जो भी समाज का बंधु यहाँ पर आता है लगभग सभी से मैं मतलब कि फ़ोन नंबर के राय या किसी भी सोशल मीडिया के उससे कनेक्टेड हूँ, तो प्लीज़ मिल के जाएँ एक बार बताएं जरूर, अच्छा लगता है मतलब कि जब इतनी दूर आके हम अपने समाज से अपने लोगों से मिलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। हर कोई अपना काम करेगा है, हर कोई अपना कमा रहा है खा रहा है, और यही होता है प्यार ही होता है, आपस में 2 मिनट बैठ के आपस में चाय पानी कुछ मतलब कि हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है, हमें हमेशा कॉन्टैक्ट बनाए रखना चाहिए। तो बड़े बड़ाई ना करे बड़े ने बोले बोल, रहमन हीरा कब गए लाख हमारे मोल। तो ये हमारे अनमोल समाज में रत्न है, जो समाज में जन्म लेकर इन्होंने समाज की नहीं पूरे हमारे पूरी बिरादरी की और मंदिर की शोभा बढ़ाने वाले ऐसे धर्मवीर करमवीर और सेवावीर हमारे योद्धा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमारे गौतम जी को बहुत बहुत हृदय से कोटि कोटि धन्यवाद। आप सभी मेरा मार्गदर्शक और प्रेरणा स्रोत हो, मतलब कि हमेशा आपसे हम तो मतलब कि भैया बिल्कुल आप लोगों का मतलब कि समाज के प्रति समर्पण देख के हम भी उससे मतलब कि प्रेरित हुए, और हमेशा यहाँ पर जो भी मतलब कि छोटी मोटी सेवा या आप लोगों को मतलब जो भी सहयोग चाहिए होता है हमेशा हम आपके साथ खड़े हैं कंधे से कंधा मिलाकर,
और हमारे भाई गोविंद लाल जी और उदयपुर वाले, इनको लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि यहाँ के महाराज लेके तो सब यही है, लेके तो सब ये आए धन्यवाद यही है, इनके सारे सब कुछ हो रहा है, लेके तो ये आए धन्यवाद। मार्गदर्शक प्रेरणा स्रोत है, सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे हमारे दानदाता श्रीमान लाल जी और खड़े उधर देखो उनके भी, और भाई साहब मिले थे कल शाम को, मैं बात अधूरी रहेगी, कल शाम को हम विचार कर रहे थे ठाकुर की मूर्ति कहाँ से लाएंगे यार, बड़ा विचार कर रहा भाई साहब के यार समस्या तो है, लेकिन ठाकुर ने तुरंत एक बस बाबा शाह को भेजा, तुरंत जा यहाँ जाना वहाँ इधर इधर शायद परिणाम है ये, तो मैंने जैसे ही मांगा उन्होंने ये नहीं कहा पर्स खोले और दिया और वो दो मूर्ति मैंने, अब कोई नहीं है हमें तो, हम तो खाली एक जरिया है गोविंद भाई साहब, एक जरिया करने वाला वो खुद है, सारी व्यवस्थाएं उसने खुद कर रखी होती है, लेकिन एक वो होता है ना एक संकेत देते हैं कि इस तरफ जाइए करने वाला वो है, उसने सब रास्ते बना रखे हैं, खुद उसने करना है, हम कौन होते हैं कुछ करने वाले, वो आप बिल्कुल बात से सब बाकी आप कर रहे हैं तो बाकी आप अनमोल रत्न है, एक पारस होता है ना मतलब कि समाज में जो उसके संपर्क में आता है वो भी हीरा बन खुद भी मतलब कि सोना हो जाता है, वो चीज़ है आप तो मतलब कि आपके संपर्क में जो भी आता है वो सोना हो जाएगा, सोना बन जाएगा, सोना बन जाएगा। हमारे भाई साहब बड़े भाई साहब मदनलाल जी आए हैं, बिल्कुल बिल्कुल भाई साहब बहुत ही कार्यक्रम निपट गए हैं, चाय पीने के लिए आए सभी हमारे मित्रों के साथ, गुरुजनों के साथ, भाइयों के साथ और अनुजों के साथ, आपके अनुज भी हैं, भाई भी हैं, परिवार भी है, रिश्तेदार भी है, सब यहाँ पर मौजूद है, कितना धन्यवाद देना चाहेंगे हमारे बीएल मंडल के हमारे करेड़ा पक है बीएल करेड़ा साहब को बहुत बहुत धन्यवाद, हम सभी भाइयों को एक आज चाय के लिए आमंत्रित किया और साझा से इनकी पूर्ति करें, आप सभी का सहयोग है, बहुत बहुत धन्यवाद साझा से इनके भंडार भर रखे, ये सभी आगे भी हम भविष्य में ऐसी आशा करते हैं हम गुरुदेव से, हमें गुरु के रूप में या किसी रूप में सेवा का मौका भगवान से बचा करेगा भला करेगा, कहते हैं कि संघर्ष किए बिना सफलता नहीं मिलती, मिलती संघर्ष किए बिना सफलता नहीं मिलती, उसी का हमारे उदाहरण है हमारे बड़े भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई साहब, उस स्थिति से गुजर रहे हैं जिस स्थिति से जैसे तलवार के ऊपर से आदमी कैसे गुजरता है, ना कटना है ना आगे जाना, आगे भी जाना है कटना भी नहीं है, फिर भी पता नहीं बड़े भाई साहब ने मेरे कहा गाड़ी लेके चलना है, तो बड़े भाई साहब मैं बस से आऊँगा, यानी मैं समझ सकता हूँ, तो मैं बड़े भाई साहब को ये सच्चे हमारे मार्गदर्शन है इन्हीं के पुण्य है, जब मैं पहली बार बड़े भाई साहब भी गया था यूँ हाथ फैला के, तो बड़े भाई साहब ने इस हाथ पे बहुत कुछ रख दिया था, बड़े भाई साहब ने कहा था कि इस हाथ पे गोविंद जी मैं इतना रख दूंगा कि आप सेम नहीं कर पाओगे, लेकिन इस काम को कैसे करना बताइए, मार्गदर्शन में शुरू किया गुरुआ, और 2000 की ये 13 की यात्रा 2021 में संपन्न हुई और हमने कदम से कदम मिलाते गए, कारवा जुड़ता गया, और ये देखिए आप यात्रा संपन्न कहाँ होगी, अपनी यात्रा संपन्न तो होगी नहीं होगी अग्रसर है ये तो चलेगी चलती रहेगी, संपन्न का नाम ही नहीं है, तो चलते रहो बस। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, अच्छा लगा हो समाज का प्रेम अच्छा लगा हो तो इसे शेयर भी कर दीजिए, और अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे थे इसे अंगूठा लगा दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद।